बुद्ध तेरे कितने नाम। भाग तीन। आपने लोक सुना होगा, लोकसभा यानी कि लोगों की, पब्लिक की, आम लोगों की सभा। जहां भी लोक लग जाए, लोक का मतलब होता है लोग और पीपल यानी जनता, जनार्दन। आज यहां जो बुद्ध तेरे कितने नाम में, क्योंकि भगवान बुद्ध जो नाम हैं उनके बहुत ज़्यादा हैं, लोक पे भी उनके कई नाम हैं। जैसे उनका पहला नाम है लोकज्ञ। लोकज्ञ का मतलब है लोक प्लस अज्ञ, यानी कि लोक में अज्ञ। लोक के यहाँ दो मतलब आते हैं, एक लोक का मतलब आता है पब्लिक, जनता, लोग, और दूसरा लोक का मतलब आता है शरीर, यानी जो हमारा शरीर है उसको भी लोक बोला गया है पाली भाषा में। भगवान बुद्ध दोनों के ही अग्रज हैं यानी अज्ञ हैं। अज्ञ माने आगे हैं दोनों में हैं, क्योंकि उन्होंने शरीर की भी जानकारी सारी ली हुई है और जितने भी लोग हैं उनमें भी उनकी जो विद्वता है, जो जानकारी है, वो सबसे अधिक है। इसलिए उनका एक नाम है लोकज्ञ, दूसरा उनका नाम है लोकनायक, यानी कि जो नायक हैं, लीडर हैं लोगों के, वो भगवान बुद्ध हैं, इसलिए उनको लोकनायक भी बोलते हैं। एक है उनका नाम है लोकांत गु। ये जो गु शब्द है, मैंने पहले भी आपको बताया है, गु जो है पाली में गुरु को बोला जाता है, और चूंकि बुद्ध बहुत सारी चीज़ों के गु रहे हैं, गुरु रहे हैं, इसलिए बाद में इसको गुरु बनाया गया, और जो ओरिजिनल शब्द था इसका गु, उसको विष्ठा यानी टट्टी बनाया गया, जो बहुत ज़्यादा बदबूदार चीज़ होती है, जिसको, क्योंकि अपना जो एक्सक्रीशन है, जो निकलता है शरीर से, वो किसी भी व्यक्ति को पसंद नहीं आता, चाहे वो पेड़ है, चाहे जानवर है, चाहे आदमी है, क्योंकि वो वेस्ट होता है। इसलिए गु बोला गया है इस वेस्ट को, और उनको उपाधि एक तरह से निगेटिव देने की कोशिश की गई, मगर आप पाली पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि गु का मतलब गुरु होता है। लोकांत गुरु का मतलब है जो शरीर के अंत के गुरु हैं, यानी शरीर के अंत तक को जानते हैं, उसके गुरु हैं, उनको लोकांत गुरु बोलते हैं। एक है लोकाधिपति। लोकाधिपति का मतलब है जिसके अधिकार में लोक हो, उसके स्वामी, पति माने मालिक उसके, यानी कि वो अपने शरीर के मालिक थे, इसलिए उनको लोकाधिपति बोलते हैं, क्योंकि अपने शरीर पर उनका अधिकार था और उसके वो स्वामी थे, उन्होंने उसको जीत लिया था, इसलिए उनका एक नाम लोकाधिपति भी है। एक उनका बहुत जाना माना नाम है जो है लोक ईश्वर। लोक ईश्वर को आज के समय में जो बोला जाता है वो लोकेश्वर बोला जाता है, क्योंकि शय शब्द तो होता नहीं पाली में, ईश्वर होता है, बाद में ईश्वर को ईश्वर बनाया, यानी लोक के ईश्वर, जो इसी माने होता है जो खोज करते हैं, वैज्ञानिक होते हैं, और वर माने सबसे श्रेष्ठ, यानी शरीर के या लोगों के सबसे अधिक खोज करने वाले, जानकार करने वाले सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति को लोक ईश्वर बोलते हैं। बाद में इसको लोकेश्वर बोला गया, फिर बाद में इसमें दो माताएं लगा दी गई, क्योंकि संस्कृत भाषा में दो माताएं चलती हैं, तो लोक की जगह ये लोक हो गया, लोकेश्वर हो गया। एक नाम है लोक गुरु। लोक गु और लोक गुरु दोनों ही यानी लोक के गुरु हैं, अपने शरीर के गुरु हैं और लोगों के भी गुरु हैं। एक इनका नाम है लोक राज, यानी कि जो अपना शरीर है उससे राज करने वाले, उस पर शासन करने वाले, उसको देखने वाले, उसे अपने कंट्रोल में करने वाले, इसलिए उनका एक नाम लोक राज भी है। और एक नाम है उनका लोक विजित्वा। विजित्वा का मतलब है जिसने जीत लिया हो अपने लोक को यानी अपने शरीर को, तो एक उनका नाम है लोक विजित्वा। ये सारे के सारे नाम लोक से आरंभ होते हैं, इसलिए चूँकि भगवान गुरु के जो वेदांत गुरु हैं उनके जो नाम हैं, जो भगवंत या भगवा भगवान बुद्ध हैं, तथागत हैं, उनके हजारों नाम हैं, जैसे जैसे आते रहेंगे मैं आपको बताता रहूँगा। आज की सीरीज में इतना ही। धन्यवाद।